नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां जबलपुर रेल मंडल में लगातार हो रही लापरवाही से रेल हादसे बढ़ गए हैं। एक बार फिर मंडल की सीमा में आने वाली जैतवारा स्टेशन पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जैतवारा स्टेशन में मुंबई होकर बनारस जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस के इंजन से कोच को जोड़ने वाली कपलिंग खुल गई और इंजन रैक छोड़कर 500 मीटर तक आगे बढ़ गया। जब ट्रेन के ड्राइवर को इसका पता चला तो उसने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। इस लापरवाही से हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों का तनाव बढ़ गया। तत्काल ड्राइवर ने ट्रेन के इंजन को वापस आधा किलोमीटर लाकर रैक से उसे जोड़ा। इससे यात्रियों के बीच भी हड़कंप की स्थिति बन गई। मुंबई से चलकर सतना जैतवारा होते हुए बनारस जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस की जैतवारा व हाटी स्टेशन के पास कपलिंग खुल गई थी, जिससे इंजन के आगे बढ़ जाने से हड़कंप मच गया। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के यात्रियों को जैसे ही इसकी खबर लगी, उन्होंने तत्काल टीटीई और अन्य स्टाफ को इसकी जानकारी दी। कामायनी एक्सप्रेस रात को हाटी और जैतवारा के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 11905 पर पहुंची ही थी कि गाड़ी में लगे पावर कार की कपलिंग अचानक खुल गई और पायलट को इसकी भनक भी नहीं लगी। ट्रेन के डिब्बे कुछ दूर तक चलकर आगे रुक गए। ट्रेन गार्ड को जब इसकी जानकारी लगी तो उसने तुरंत पायलट को सूचित किया, तब कहीं जाकर इंजन को पीछे लाकर कपलिंग को जोड़ा गया। इस घटना में ट्रेन करीब आधे घंटे तक रुकी रही। बात करते हैं अगली खबर की, जहां मूक बधिर एवं आर्टिज्म पीड़ित युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पलासिया पुलिस रिश्तेदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। युवती ने महिला अफसर को इशारों में पूरी घटना बताई है और काउंसलर की मदद से बयान दर्ज करवाए हैं। पुलिस के मुताबिक 18 वर्षीय पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि नानी के निधन होने पर मां के घर रुकी थी। रिश्तेदार भी उनके साथ में रह रहा था। 3 अक्टूबर को पूरा परिवार एक साथ हॉल में बैठा था। उसी वक्त पीड़िता ने आरोपित की मां को बताया कि उनका बेटा गलत हरकतें कर रहा था। पास में बैठी पीड़िता की मां घबरा गई और उसने बेटी से पूरी बात पूछी। पीड़िता ने बताया कि पिछले 5 माह से आरोपित उसे परेशान कर रहा था, छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर रहा था। 2 अक्टूबर को उसने नहाते समय दुष्कर्म भी किया है। युवती की मां ने काउंसलर को पूरी घटना बताई और थाने ले गई। सांकेतिक भाषा में लड़की ने बयान दिए और आरोपी रिश्तेदार के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई है।